हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इसमें मैं करने वाली हूँ अपनी अवतार सीरीज़ का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर। तो जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने चूज़ किया है इस बार उसी तरीके का लुक। तो मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से, तो मैंने कुछ उसी तरीके का लुक आप लोगों के लिए सामने लेकर आया है। आप उसे गढ़वाली लुक कह सकते हैं, आप उसे कुमाऊनी लुक भी कह सकते हैं, सिमिलर होता है, ज़्यादा डिफ्रेंसेस नहीं होते हैं दोनों में। तो इस तरीके का मेकअप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से रेडी हुआ जाता है ओकेजन्स पर, और ट्रेडिशनल लुक एक्चुअल में क्या होता है उत्तराखंड का, तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ अपना आई मेकअप। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी आईज़ को कर रही हूँ कंसील डार्लिंग इज़ाबेला के कंसीलर से। एंड इसकी हेल्प से अच्छे से अपनी आईज़ को कंसील करने के बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। एंड अपने आईज़ को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है NYB का कॉम्पैक्ट। कंसीलर को अप्लाई करने के बाद हमेशा उसे सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्रीज हो जाता है। तो जा रही हूँ मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने ये पिंक कलर का शेड यूज़ किया है सबसे पहले, तो इसे मैं अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पर ईजीली ब्लेंड कर लूँगी। देन सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया है अपने दूसरी आई पर भी, तो वहाँ पर भी मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसी पिंक शेड को लेकर। एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ ये कुछ ब्राउन कलर का शेड, इसी के ऊपर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। जो मैंने पिंक शेड लिया था उसके ऊपर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर 2D इफेक्ट मिल जाएगा। दो शेड से मिलकर मैंने ये आई शेडो क्रिएट किया होगा, तो यहाँ इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी दूसरे आईलिड पर भी। देन आईलिड के इनर पार्ट पर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, क्योंकि मैं यहाँ लगाने वाली हूँ लाइट कलर का ग्लिटर शेड, जिससे वो ज़्यादा विजिबल हो, और मैं यहाँ पर लाइट शेड यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने इसे कंसीलर को यूज़ किया। इसे अपनी फिंगर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी के पैलेट में से अपना ये येलो शेड ग्लिटर शेड लेकर इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी उसी जगह पर जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। सेम प्रोसेस मैंने अपनी दूसरी आईलिड पे भी करी है। और ये मेकअप कुछ पार्टी काइंड ऑफ मेकअप है, तो अगर आप चाहो तो आप इसे पार्टी में भी वेयर करके जा सकते हो। तो ये इस तरीके का मेकअप है, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी हार्श ना दिखे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है NYV का आईलाइनर, तो मैं इससे एक विंग लाइन ड्रॉ करूँगी बिल्कुल थिन। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मैक्स वॉल्यूम मस्कारा, मैंने रिसेंटली popper.com से परचेज़ किया है, और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस। अगर आपको कोई एक अच्छा मस्कारा चाहिए है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। देन मैं यहाँ पर काजल यूज़ कर रही हूँ, स्टे कुर्की का काजल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है अपने आई लुक को कम्प्लीट करने के लिए। देन मैंने मस्कारा लेके अपने लोअर लैशेस पर भी अच्छे से अप्लाई कर लिया था। नेक्स्ट आईब्रो को सेट ऑफ फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्राउ किट। ये बहुत ही अच्छा एक ब्राउ किट है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है। इसके साथ आपको एप्लीकेटर ब्रश भी मिल, प्लस आपको इसके साथ एक प्लकर भी मिल जाता है अपने एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने के लिए। और यहाँ आपको इसके साथ मिल जाते हैं 3 ऑप्शन, जिसमें आपके पास है इसमें सेटिंग वैक्स क्रीम, नेक्स्ट इसमें 2 शेड्स आपको मिलते हैं, एक लाइट शेड है एंड एक बहुत ज़्यादा डार्क शेड है। तो ये दोनों शेड आपके अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, एंड वैक्स क्रीम को लगाने के बाद आपकी आईब्रोज हो जाती हैं सेट। देन यू कैन यूज़ दिस शेड्स ऑन योर आईब्रोज। के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये एड गुडनेस का रोज वाटर एज अ टोनर, मैंने इसे अपनी स्किन पे यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना फेस मेकअप, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने टोनर दिया है यहाँ पर। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, एंड आई थिंक 500-550 के आसपास ये आपको popper.com पे मिल जाता है, तो मैंने इसे वहीं से परचेज किया था। एंड मैं यहाँ पर सेम वही अपना डार्लिंग इज़ाबेला का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग माई फेस, तो इसे अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। फेस मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर NYV का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, और इसके बाद मैं यहाँ कॉन्ट्रोलिंग के लिए ले रही हूँ ये ब्राउन शेड। तो इसी पैलेट में से मैंने शेड लेके कॉन्ट्रोलिंग कर ली थी अपनी फेस की, तो इससे मैंने अपनी कॉन्ट्रोलिंग की है। इन पैलेट में से मैंने ये पिंक कलर का शेड एज अ ब्लश यूज़ किया है अपनी स्किन पे, क्योंकि ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये एक तरीके से वन पैलेट मेकअप भी हो सकता है। तो मैंने इसी पैलेट से सारी चूज़ कर ली थी, एंड देन आई एम अप्लाइंग ये हाइलाइटर।
तो हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से अपनी स्किन पे, तो जिससे जो भी पार्ट मुझे हाईलाइट करना होगा वो मैं इजीली हाईलाइट हो सकता है फेस पे। मैंने यहाँ पर अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई किया हाईलाइटर को, अपने आई मेकअप को बहुत ही ज़्यादा एनहेंसिव लग दिखाने के लिए। एंड यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये है मेरे पास आई एम्स्टरडैम की लिपस्टिक है, इसका शेड नंबर जो होगा वो नीचे आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसको लाइट डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक न्यूड शेड ब्राउन कलर का, तो उससे मैंने इसे लाइट डाउन कर लिया है। तो यस गाइस, ये रहा वो फाइनल लुक, मैंने अभी आप लोगों के सामने इसे क्रिएट किया था। बस इसके साथ मैंने ज्वेलरी वेयर कर ली है एंड साड़ी मैंने यहाँ पर येलो कलर की वेयर करी है। तो यस ये रहा, आई विश आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो गाइस तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली। सो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाका की न थूली भली छाजी रे, नाका की न थूली।